हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपनी वेबसाइट taralang.com के बारे में। तो तारा पेंट्स एंड केमिकल्स के लिए हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका आईडी है www.taralang.com। तो मैं वेबसाइट अपनी खोलने जा रहा हूँ। ये अपनी वेबसाइट का होम पेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो होम पेज के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट पेज आप देख रहे हो, यहाँ पे होम पेज है। तो अभी हम लोग बात करेंगे होम पेज के बारे में। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको सब इमेजेस दिख रहे हैं, तो इमेजेस के अंदर पहले हम चालू कर रहे हैं वुड कोटिंग्स। तो वुड कोटिंग्स की रेंज के हम लोगों ने जो टीन्स के डब्बे हैं वो हाईलाइट किए। ये ऑटोमोटिव पेंट्स के डब्बे हैं। तो आप लोगों को कभी पैकिंग इमेजेस देखने हो डेकोरेटिव, ऑटोमोटिव, वुड कोटिंग और अपने इंडस्ट्रियल के, तो आपको यहाँ से उसके पैकिंग इमेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये मॉकअप फाइल इसको बोलते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई है। उसके बाद में हम होम पेज में नीचे जाएंगे तो आप लोगों को ये छोटा सा एक अपने कंपनी का वीडियो डिस्प्ले होता हुआ दिखा जाएगा। तो आपको कभी ये वीडियो देखना है, अपना स्मॉल वीडियो कहीं कभी कस्टमर को दिखाना है तो आप ये वीडियो भी शो कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब में भी आपको अपनी कंपनी का वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो। उसके लेफ्ट साइड में ये पूरा मैं अबाउट अपनी कंपनी थोड़ा सा ब्रीफ लिखा हुआ है, तो आप इसमें रीड मोर भी दबा सकते हो। रीड मोर दबाओगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा, मतलब अबाउट अस के पेज में ये लेके जाएगा। तो मैं अभी रीड मोर पे दबा रहा हूँ। तो अपनी कंपनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कहीं आपको ये आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप कस्टमर के सामने भी कभी कुछ डेटा शो करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे एक हम लोगों ने सैप के साथ इंटीग्रेट किया है इसको। हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डीलर्स, अपने इंडस्ट्रियल कस्टमर्स, अपनी कितनी ब्रांचेस है और कौन से कितनी कंट्रीज में हम काम करते हैं, यहाँ पे उसका डेटा शो किया गया है। इसके बाद हमारी कंपनी की प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम मिस्टर सुमतीलाल जोशी जी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, वहाँ से लेके अभी करंटली कुछ इनोवेशन या कुछ ब्रांच ओपन हुई हो, जैसे हम लोगों ने अभी न्यू कंपनी रजिस्टर की है तारा पेंट्स नॉर्थ अमेरिका, वहाँ तक की टाइमलाइन अभी अंदर है। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज वी सर्व का एक ऑप्शन रखा गया है, उसका मतलब कि हम लोग ये देखो, आप फर्स्ट में देखोगे तो वुड कोटिंग दिख रहा है, तो हम लोग वुड कोटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। ऑटोमोटिव के लिए हमारे पास पेंट अवेलेबल है, हमारे पास मशीनरी के ऊपर लगने वाले पेंट्स अवेलेबल है, प्लास्टिक्स पे लगने वाले पेंट्स अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स पे लगने वाले पेंट अवेलेबल है, हाई टेम्परेचर कोटिंग्स। तो आप लोग वैसे अपनी सब इंडस्ट्री के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फॉर एग्जाम्पल वुड कोटिंग पे, तो आपको यहाँ से और एक अंदर पेज दिखेगा। तो यहाँ पे पूरा वुड कोटिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे टारालेक ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स विद वुड फिनिशेस, फिर टिम्बर और टाइप्स ऑफ वुड्स क्या क्या होते हैं। और यहाँ पे अपना कंपनी का राइट हैंड साइड पे ये ब्रोशर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ब्रोशर भी देखने मिल जाएगा। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये कहाँ कहाँ एरिया लग सकता है ये अपना वुड कोटिंग, उसके बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई है। इसका टाइप्स ऑफ फिनिशिंग क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, स्टार्ट करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए आपको, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये इसकी हैंडी हिंट क्या होती है, वुड कोटिंग की प्रोडक्ट्स कितनी कितनी अपने पास है, स्टेनर्स, एनसी फिनिशेस, मेलामाइन फिनिशेस, सिल्क वुड फिनिशेस, पीयू फिनिशेस एंड मैनी मोर। तो आपको पूरा पेज इसका यहाँ से आपको मिल जाएगा। वापिस मैं अपने होम पेज पे चला जाता हूँ और ये अपना एक डिस्प्ले, यहाँ पे एक फ़ोटो भी किया गया है विथ इफेक्ट्स। मैं होम पेज पे वापिस चला जाता हूँ। अगर होम पेज में हम लोग और नीचे जाएंगे, मैंने जैसे आपको ये दिखाया रीड मोर के बारे में, यहाँ पे हम लोग कुछ हाईलाइट करते हैं हमारी वन ऑफ दी फीचर्ड प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोग ने करंटली प्रीमियम ग्लो इंटीरियल इमल्जन, जो हमारा डेकोरेटिव पेंट्स का एक प्रोडक्ट है, वो हमने अभी हाईलाइट विथ इट्स प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किया गया है। यहाँ पे हमारी पूरी प्रोडक्ट प्रोफाइल है कि हम लोग हमारे पास पाउडर कोटिंग है, हमारे पास पैकेजिंग कोटिंग्स है, हमारे पास इंसुलेटिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड ट्रांसफार्मर कोटिंग्स है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन केमिकल्स है, हमारे पास रोड मार्किंग एंड फ्लोर कोटिंग है, हमारे पास इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स कोटिंग है, ऑटो रीफिनिश है, वुड कोटिंग है, डेकोरेटिव है। तो ये पूरा अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल है कि जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं। तो इसके अंदर भी हर एक के अंदर आपको पेजेस मिलेंगे। आप यहाँ से रोड मार्किंग का पेज जैसे रीड मोर करोगे तो वो उसका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किए इसके एडवांटेजेस क्या होता है, फ्लोर कोटिंग की जरूर नीड क्या होती है,
तो आप लोग ये पढ़ोगे तो आपको प्रोडक्ट्स के बारे में भी काफ़ी आइडिया आएगा और आप कस्टमर के सामने भी काफ़ी कुछ रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इवन ये वेबसाइट फॉरवर्ड करने से उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर हो पाएगी, वो प्रोडक्ट समझ पाएंगे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको डिटोरिएशन करने के। उसके बाद हमारा एपॉक्सी फ्लोर कोटिंग में कौन से फ्लोर्स है अपने पास, ट्रॉवेल फ्लोरिंग्स है, उसको कैसे मिक्स करना चाहिए, उसकी कैसे एप्लीकेशन करनी चाहिए, उसकी स्पेशल इफ़ेक्ट्स क्या होती है वगैरह वगैरह। फिर नीचे अपने पास कौन से फ्लोरिंग में हम लोग काम कर सकते हैं, तो पॉलीयुरेथीन फ्लोरिंग है, कंडक्टिव फ्लोरिंग है, हाई इम्पैक्ट प्रोटेक्शन फ्लोरिंग है, स्लिप रेजिस्टेंस फ्लोर है, कॉम्पैक्स फ्लोर्स है, वैसे काफ़ी सारे फ्लोर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर अपने रोड मार्किंग एंड लैंड मार्किंग के लिए भी अपने पास पेंट अवेलेबल है, तो उसके पूरे एप्लीकेशन एंड उसके बेनिफिट्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं। वापिस मैं अभी वापिस होम पेज पे जाता हूँ बिकॉज ये एक पेज था। तो वैसे आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोफाइल पे क्लिक करके उसका पेज ओपन कर सकते हो। हमने ज़्यादातर पेजेस अपलोड कर दिए हुए हैं, जो पेजेस अभी अंदर आपको नहीं मिलेंगे वो अंडर प्रोडक्शन है, तो वो पेजेस बन जाएंगे तो वो भी अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद अभी मैंने आपको दिखाया था अबाउट अस में जाके भी सेम पेज इंडस्ट्रीज वीसव का पेज दिख रहा था, तो इसमें भी क्लिक करने से ये इंडस्ट्रीज है और अपनी वो प्रोडक्ट प्रोफाइल थी, तो दोनों में वेरिएशन होता है। हम लोग ये पार्ट ऑफ प्रोफाइल का पार्ट एक होता है, ऑटोमोटिव है, मशीनरी है, तो विच इज़ पार्ट ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, तो ऐसे पूरी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आपको दिखाई गई है। फिर यहाँ पे हमने एक ऑनलाइन गैलरी अटैच किया हुआ है, तो हमारा एक इंस्टाग्राम पेज अवेलेबल है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके तारा पेंट्स एंड केमिकल्स लिखिएगा तो आपको सेम फोटोग्राफ्स वहाँ पे पोस्ट के साथ में दिखेंगे। तो उसने हम लोगों ने उसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे हर एक पोस्ट देखने मिलेगी। इवन ये आप कस्टमर को भी शो कर सकते हो, जिससे वो लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी क्लिक करेंगे और उनको काफ़ी सारी पोस्ट देखने मिलेगी। यहाँ पे हमारा ऑफिस एड्रेस है, अगर आपको कभी भी एफओस एड्रेस किसी को भेजना हो तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो। यहाँ पे एक हम लोगों ने फॉर्म रखा हुआ है, अगर कोई कस्टमर को कुछ अपनी कंपनी के बारे में इंक्वायरी है तो यहाँ पे वो लोग फॉर्म फिल करके अपने को यहाँ से सेंड कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग रिवर्ट भी करते हैं। यहाँ पे फॉलोअर्स का है, आप लोग यहाँ से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपनी अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग कई बार सोच रहे हैं कि यूजफुल लिंक्स कोई भी होगी या लॉयर सब एप्लीकेशन होंगे उसकी लिंक्स यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। अभी हम लोग जाते हैं अबाउट अस के पेज में। अबाउट अस का पेज मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे डीलर्स है, यहाँ पे पूरा टाइमलाइन है, यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रीज वी सर्व है और यहाँ पे नीचे अपना फुटर पेज है, तो ये पूरा पेज आपने देखा होगा। अभी मैं आपको समझाऊंगा प्रोडक्ट पेज के बारे में, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट पेज हम लोगों ने बहुत नाइसली डिज़ाइन किया गया है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कहीं सारे फिल्टर मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया प्रोडक्ट प्रोफाइल, तो जो अपने पास प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो अपने जिसमें जिसमें काम करते हैं, जैसे हम लोग वुड कोटिंग में काम करते हैं, ऑटो रिफिनिश में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, आपको कोई भी प्रोडक्ट प्रोफाइल के बारे में जानना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे वुड फिनिश है, मेरे को फूड फिनिश के प्रोडक्ट्स देखनी है, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे और एक फिल्टर है, ये फिल्टर दिख रहा है आपको, जिसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि पुट्टी, मेरे को वुड कोटिंग में कौन सी पुट्टीज लग सकती है वो देखना है, तो मैं यहाँ पे अनटिक करके यहाँ पे पुट्टीज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अपना आ गया रिजल्ट, एनसी पुट्टी ग्रे एंड वाटर बेस्ड वुड पुट्टी। तो यहाँ से मैं फिल्टर को हाइड करके यहाँ पे इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, कि अपना प्रोडक्ट कोड भी लिखा है कि भाई 0101 एनसी पुट्टी ग्रे, ये क्या होती है, तो बोले नाइटो सेल्यूलोस बेस्ड प्रोडक्ट होती है, उसकी गुड फीलिंग होती है, हाइडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होती है, तो कभी आपको इसके बारे में जानना हो तो भी आप यहाँ से भी जान सकते हो। फिर यहाँ पे क्लिक करके पूरा पेज ओपन होता है, जहाँ पे ऊपर उसका हेडिंग लिखा हुआ है, अपने ने जो बाहर डिस्क्रिप्शन लिखा वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ये एनसी पुट्टी कहाँ कहाँ लग सकती है, तो वुड कोटिंग में लग सकती है, ऑटो रिफिनिश में लग सकती है, इंडस्ट्रियल में इसका यूज़ होता है, दिस पार्ट ऑफ पुट्टी एंड प्राइमर, ये वुड फिनिश के अंदर यूज़ होती है, एनसी फिनिश में यूज़ होती है, तो ये कौन सी इंडस्ट्रीज में काम करती है, उसकी प्रोडक्ट्स केमिस्ट्री क्या होती है, उसमें सॉलिड्स क्या होते हैं, इसका ग्लॉस लेवल क्या होता है, ये कौन से पैक में आती है, क्या एट्रीब्यूट्स रहते हैं इसके, उसकी प्रोडक्ट लाइन क्या बोली जाती है, रेंज क्या बोली जाती है, कितने टाइम में सूख जाती है, और उसके कौन से पैकिंग अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर आप PDS मतलब प्रोडक्ट डेटा शीट, टेक्निकल डेटा शीट, SDS मतलब सेफ्टी डेटा शीट,
मटेरियल सेफ्टी डेटा रिसीट MSDS और पैकेजिंग इमेज, जो यहाँ पे आपको इसका पैकेजिंग इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देखना हो तो भी आप लोग इसका पैकेजिंग इमेज भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हाईलाइट किया हुआ है, आपको कभी पैकेजिंग इमेज किसको भेजना हो तो यहाँ से आप कॉपी करके भी भेज सकते हो। अभी मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट डिजाइन। यहाँ पे PDF पे क्लिक करोगे आप तो आपका ऐसे पूरा प्रोडक्ट डेटा शीट ओपन हो जाएगा। तो आपको कोई भी कंपनी में किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से डायरेक्टली हर एक प्रोडक्ट डेटा से टेक्निकल डेटा रीड वगैरह आप लोग खुद से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो स्पेशली हर एक सेल्समैन एंड जिसको जिसको अपना प्रोडक्ट डेटा सीट वगैरह देखना हो उसके लिए हम लोगों ने पेज क्रिएट किया हुआ है। अभी हम लोग कोई और एक प्रोडक्ट देख के ट्राई करते हैं। समझो हमारे यहाँ पर ये फिल्टर है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन है। आपको डायरेक्ट पुट्टीज देखनी हो तो यहाँ से ये फिल्टर निकाल के डायरेक्ट सब पुट्टीज कौन सी अवेलेबल है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अपनी सब पुट्टी अवेलेबल आपको दिखने मिल जाएगी। तो उसके बारे में अंदर जाके आप हर एक पेज में जाके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुट्टी पे टिक करके मेरे को एपॉक्सी पुट्टी के बारे में जानना है तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ से मेरे को देखने मिल जाएगा। इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को इसके बारे में सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जैसे मैंने आपको भी समझाया, उसकी डाउनलोड में मेरे को उसकी प्रोडक्ट डेटा शीट, सेफ्टी डेटा शीट और उसका फ़ोटो। तो ये अपनी एपॉक्सी पुट्टी ये वाले डब्बे में अपने देते हैं तो ये आपको देखने मिल जाएगा। अंदर वापस गो बैक जाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं पॉलिएस्टर पुट्टी देखने मिल जाएगी, सब पुट्टी देखने मिल जाएगी। मेरे को यहाँ पे देखने समझो प्राइमर देखने हैं तो मैं प्राइमर पे क्लिक करूँगा तो आपको हर एक प्राइमर की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। जितने हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए हुए वो हर एक प्राइमर आपको देखने मिल जाएगा। तो आप इसकी डेटा शीट वगैरह सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ पे डेकोरेटिव प्राइमर्स भी अपने आ गए हैं। यहाँ पे सेम तरीके से आप थिनर भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं थिनर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूरे थिनर की पूरी रेंज आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। तो हर एक में जाके आप थिनर 555 में जाओगे अंदर तो आपको यहाँ पे पूरी इसके नीचे टेक्निकल डेटा शीट वो आप खाली PDF के आपको ऐसे क्लिक ही करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके नेक्स्ट विंडो के अंदर ये पूरा उसका टेक्निकल डेटा शीट आपने जो ओपन किया होगा, टेक्निकल डेटा शीट किया होगा तो आपको वो मिल जाएगा। प्रोडक्ट डेटा शीट करेंगे आप तो आपका वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हम वापस प्रोडक्ट पेज के अंदर जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके सारे यहाँ पे अगर मेरे को यहाँ से नहीं देखना है टिक करके, जैसे अमेजोन की वेबसाइट होती है वहाँ पे हाई लो इस इतनी प्राइस से इतने के बीच में देखना है ये वैसा अपना ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे अपने हर एक उसकी तरह ही अपने प्रोफाइल रखी हुई है, यहाँ पे हमने पूरी रेंज रखी हुई है। नीचे समझो आपको वो VOC के हिसाब से देखना हो तो वैसे भी देख सकते हो। आपको वॉल्यूम सॉलिड के हिसाब से देखना हो कि भी वो लो वॉल्यूम सॉलिड की आइटम कौन सी अपने पास, पूरी आइटम आपको लो वॉल्यूम सॉलिड की सब आइटम्स यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको समझो दो चीज़ें देखने की भी लो वॉल्यूम सॉलिड की आइटम है और वो मेरे को पुट्टी में देखनी है तो भाई लो वॉल्यूम सॉलिड पुट्टी में कुछ नहीं है समझो प्राइमर में देखनी है तो ये रहे लो वॉल्यूम सॉलिड्स के प्राइमर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे आपको। तो अब ये हिसाब से आप सब कुछ सर्च करके आपको हर एक आइटम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी जिसमें आप पैकेजिंग इमेजेस, प्रोडक्ट डेटा शीट, सेफ्टी डेटा शीट और कोई भी और अटैचमेंट्स जो रखने लायक है तो आप हम लोगों को बता दीजिएगा तो हम लोग प्लेस कर देंगे तो आपको डायरेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा वैसे ही अपना ये पूरा पेज है, नीचे फुटर पेज है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज है क्रेडेंशियल्स का पेज। तो क्रेडेंशियल्स के अंदर जाते हैं, क्रेडेंशियल्स के अंदर हम लोगों ने क्वालिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड अपना ISO सर्टिफिकेट 9001 8 1801 2007, अपना Z सर्टिफिकेट, अपने प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट जैसे अपना रीच सर्टिफिकेट होता है लेकर के लिए, अपना CFTRI सर्टिफिकेट, अपना लीड टेस्ट एनसेंडिंग सिलर का सर्टिफिकेट, PU का, SL का, वो जो हम लोग हैदराबाद का सर्टिफिकेट है, CSRI का, CSIR का, फिर ये हमने कहा हमारी कहाँ पे मेंबरशिप्स है जैसे एसोसिएशन ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स इंडिया, CSPO, अप्रूव्ड सप्लायर GSRTC, क्वालिटी सर्वल फोरम ऑफ इंडिया, फिर हमारे पास कौन से लैब इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये लैब इंस्ट्रूमेंट्स का यहाँ पे इसके लिए रखे हुए हैं कि अपनी इतनी बड़ी R&D टीम है और यहाँ पे इतने सारे लैब इंस्ट्रूमेंट्स है तो हम लोग हर एक टेस्टिंग अपनी कंपनी में करते हैं। अपने मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ने देखा होगा कि अपने पास कितनी ब्यूटीफुल R&D लैब है। तो आप कस्टमर्स को कभी या कोई अच्छे टेक्निकल पर्सन है तो उनको ये भी दिखा सकते हो कि हमारे पास ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जिसमें हम लोग टेस्टिंग करते हैं। और यहाँ पे फुटर पेज अगेन, यहाँ पे
एक गैलरी पेज अवेलेबल है। तो गैलरी पेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरे इंस्टाग्राम के, मैंने आपको बताया वैसे इंस्टाग्राम के पोस्ट यहाँ पे होते हैं, उसके बाद यूट्यूब के अंदर जितने भी अपने वीडियोस अवेलेबल अपनी यूट्यूब लिंक में है वो सब यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और नीचे अगेन फुटर पेज अवेलेबल है। यहाँ पे करियर पेज भी रखा हुआ है जिसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी कंपनी के अंदर पोजीशंस अवेलेबल होती है, करंट ओपनिंग्स होती है और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो यहाँ पे आपको जस्ट फॉर्म फिल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे मेल ईमेल आईडी लिखो, आपको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, अभी सेल्स एंड मार्केटिंग में ही जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे नंबर अपना लिखो, यहाँ पे सीवी अटैच करिए, अपना सीवी अटैच करने के बाद फोल्डर में से, और यहाँ पे कुछ भी मैसेज अगर आपको कंपनी को लिखना हो, अप्लाई नाउ करोगे तो कंपनी को मेल आ जाएगा। और यहाँ पे इंदौर, हैदराबाद, देहरादून में 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पेंट इंडस्ट्री में हो, वैसे टाइप का अभी जॉब डिस्क्रिप्शन अभी रखा गया है। तो ये आप किसी को यहाँ से ये लिंक भेज के, यहाँ से आप किसी को लिंक अपने व्हाट्सएप में ये लिंक फॉरवर्ड करके उनको बता सकते हो कि हमारे पास ये ओपनिंग्स है, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। नेक्स्ट पेज है कॉन्टैक्ट अस का पेज। कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर हम लोगों ने हमारा एक वेंडर लॉगिन, कस्टमर लॉगिन, जैसे अपना कस्टमर का एप्लीकेशन है वो रखा हुआ है। पेंटर को आपको एप्लीकेशन भेजना हो तो यहाँ पे आप डाउनलोड ऐप करके ये वाली लिंक भी आप यहाँ से भेज सकते हो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे अगेन अपनी ऑफिस डिटेल्स, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का पेज है, इसके लिए यहाँ पे फॉर्म भी रखा हुआ है, अगर कुछ कंपनी को कुछ पूछना है कोई कस्टमर को या कुछ इंक्वायरी करनी है तो वो लोग यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसके लिए रखा है कि हर एक कंट्री की अलग वेबसाइट बनाई है, जैसे यहाँ पे यहाँ टू फॉर एग्जांपल यूएस टिक करता हूँ, तो ये यूएस में हम लोग अभी रोड मार्किंग एंड फ्लोर कोटिंग बेचते हैं, तो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, तो कोई कंट्री वाले लोगों को वहाँ पे इंडिविजुअल देखना हो तो वेबसाइट वहाँ से ओपन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड स्टोर करके एक ऑप्शन रखा है, तो उसके ऊपर क्लिक करके मैं बताता हूँ तो उसका क्या यूज़ होता है। फाइंड स्टोर के अंदर हमारी जहाँ जहाँ ब्रांचेस है पूरा उसका यहाँ पे गूगल मैप्स में आपको हर एक जगह पे दिख जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जम्मू जम्मू ब्रांच है, यहाँ टिक टिक करता हूँ तो मोहाली ब्रांच है, यहाँ पे टिक करता हूँ तो ये देहरादून ब्रांच है, ये जयपुर ब्रांच है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे उसके पूरे एड्रेस डिटेल्स भी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंदौर ब्रांच दिख जाएगी। तो किसी को भी अपनी कोई भी ब्रांच के बारे में कुछ जानना हो या फाइंड करनी हो ब्रांच, तो आप वो वहाँ से उनको एड्रेस वगैरह भी आप सेंड कर सकते हो, उसकी लिंक्स भी है, उसके फ़ोन नंबर्स भी है, ईमेल आईडी भी है, तो ये अपने बेटर कम्युनिकेशन और हर एक बंदे को अपने कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो इसके लिए वेबसाइट बनाई गई है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कंपनी में किसी को भी फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि मेरे को ये देखना है, पर आप एक बार ये वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा, मैंने जैसे वीडियो रखा हुआ है वैसे देखेंगे तो आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर कंपनी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।